सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोन भाई। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कलम जोन में। कैसे आप सभी? तो फाइनली एमयू का जो गाना आने वाला था यार, फ्राइडे को 12 बजे की रात को बोला था, पर पता नहीं यार ये गाना अभी लॉन्च कर दिया इन्होंने 9 बजे। आई डोंट नो भाई क्या सीन है क्या नहीं है, बट गाना आ गया। गाने का नाम है फक एमयू है। और भाई इस गाने की हाइप लिटरली इतनी ज़्यादा कि 20 मिनट में ये गाना 1,20,000 व्यूज क्रॉस कर चुका। और 1,20,000 व्यूज तो वो है जो मतलब अभी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि YouTube स्टूडियो पे ज़्यादा दिखते हो और जो पब्लिक वॉच करती है उस पर बहुत ज़्यादा कम दिखते हैं, ठीक है। तो यानी ये गाना 20 मिनट में लगा लो 2 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका ऑलरेडी। सो भाई एमवी हाइप इज टू इनक्रेडिबल भाई, मानना तो पड़ेगा, हाइप में तो मानना पड़ेगा भाई। स्टैन और एमवी की हाइप अलग ही है, ठीक है। सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे भाई, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा देख लेता हूँ भाई व्यूज़ अभी मेरे को कितने शो रखे, तो बाद में गाली ना दो, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहा ट्रैक जल्दी आएगा, तो मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, बट ट्रैक आ गया। ओके ओके, तो भाई अभी 22 मिनट हुए और मेरे को दिखा रहा है 128K व्यूज़ भाई साहब, 1,28,000 व्यूज़, लाइक सीरियसली। ओके, तो भाई रिकॉर्डर ऑन करते हैं, और अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। 1 मिनट, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। ओके, तो अभी जो सीधा टेक ओवर टूर था ये उसकी वीडियो है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजेशन देखने को मिलती है एमी बंटा के ऊपर, कि बंदे बोल रहे थे कि कृष्णा ने मतलब फक है अपने शो में क्या बोला, वो स्टक हो गया एमी के हेड पे। देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और सबके अपने अपने मुंह है, जितने मुंह उनकी बात है, तुम बस अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, जिसके तुम फैन हो उस आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, हो सके तो अपोनेंट को भी सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि वही बात है ना, किसी का फैन होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी दूसरे आर्टिस्ट को हेट दो, इसलिए तुम्हारी मर्जी, जिसको सुनना सुनो नहीं सुनना नहीं सुनो। तो भाई उस शो की क्लिप है जिसमें अमी वे ने ही मतलब फक है अपने ही क्राउड से बुलवा रहे थे वो, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा भाई देखने में। क्या बोलते परेशान पब्लिक। मेरे को लग रहा है भाई गाना प्लान्ड नहीं था, ये ना रिसेंटली बनाया दिया है जब शो में वो हो गया। अब पता नहीं यार वो मिस्टेक थे क्या था, लोफी वाइस बोलवाता मेरे फैन से फक एमी वे और हंसता हुआ इधर सोते खुश है बेचारे आगे वो फक क्या है बोले मेरे बारे खुद से बोलवाता मेरे फैन से फक एमी वे और हंसता हुआ इधर सोते खुश है बेचारे। ओके, तो ये तो भाई प्रूव हो गया है कि ये जो फक एमी वे जो गाना है ये सीधा टेक ओवर टूर के बाद बनाया गया, क्योंकि लाइक जैसे एमी वे की लाइन है वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने फैन से बुलाता हूँ मैं फक एमी वे, ठीक है। पता नहीं यार बाद में शूट हुआ पहले हुआ, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम मतलब ये वैसे बाद में ही बना, आई एम श्योर, आई एम श्योर, क्योंकि एमी ने अपने गाने में जो बोला था फैन से बुलाता है तो फक एमी वे, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट का था, लेकिन उसमें बोलता फैन से बुलाता है तू, लेकिन इस ट्रैक में बोल रहा है बनता है कि फैन से बुलवाता हूँ मैं फक एमी वे और हेटर्स खुश होते हैं बेचारे। तो ये भाई सीधा टेक ओवर जो इनका शो हुआ था बंटा रिकॉर्ड्स का, उसके बाद ही ये ट्रैक बना है, प्रूव्ड। भाई इस ट्रैक की मेरे को वर्ड स्कीम और राइम स्कीम काफी ज्यादा सीख लग रही है सीरियसली। और जैसे कि मैंने अपने बाकी रिएक्शन वीडियोस में देखा, अगर तुम देखते हो के रिएक्शन वीडियो मेरे द्वारा किए हुए, तो उसमें मैंने बोल रखा कि मेरे को एमवी का हार्डकोर जोन से ज्यादा पसंद है एमवी का लोफाई जोन, और जो उनकी जो सॉफ्ट मेलोडी वाला ट्रैक आता है वो जोन मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। लाइक अभी हमने रिएक्शन भी किया था जो एमवी बनता है कि रिसेंटली सारे, उसमें भी हमने यही देखा है। Residential treatment, खुद से लाया ये time, उठा first class, Emirates, Emiway, anyway, casually, ये सब मेरे लिए बिड़ा है, and we're like, कमाए इतना जितने तेरे ख्वाब, बच्चू वाली सोच कैसे बनेंगे ये बाप, करता हूँ मैंने कि हाँ, करता हूँ मैं पाप, गंदा ये समाना लेकिन दिल रखना साफ, अपने अंदर तो जाग, I don't give a fuck, क्या है बोले मेरे बारे, और भाई ये भी ट्रैक ना हेटर्स के लिए सीरियसली।
होने के दिन हुए खत्म, मैंने कर दिखाया, मैं नहीं करता चीज, ड्रीम लाइफ जी के मैं दिखा रहा हूँ। से ऊपर गाने क्वालिटी एंड क्वांटिटी नहीं है किसके बस का, बंडा जैसे कर दिखाना, ये बस देंगे बहाना। हाँ भाई ये बात तो फैक्ट है, मतलब आई एम ए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं इनके, मतलब हर महीने में हमें काफ़ी ट्रैक्स देखने को मिल जाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और क्वालिटी सॉन्ग्स देते हैं ऑफिशियल मीडियो के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा सही है। और इसके बाद जो कंसिस्टेंसी पे आ सकता है कोई इससे पहले, मतलब मैं बाद या पहले नहीं रखूँगा, सिर्फ मैं ये बोलूँगा हाँ भाई जो कंसिस्टेंट आर्टिस्ट है, ठीक है ना, रेट कर देना, तो मैं शायद खुद भी गलत हो सकता हूँ, उससे थोड़ा फ़ैन भी नाराज़ होंगे। तो दूसरे नंबर पे तुम्हें पता कौन है, दूसरे नंबर पे नहीं, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है हमारे, उस पे तुम्हें पता है मैं किसका नाम लेना वाला, वो हमारे बेला। जैसे कि तुम्हें पता है मैं बेला के बहुत सारे ट्रैक्स भाई सुनने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है और क्वालिटी ट्रैक्स रहते हैं। हाँ बस उनकी ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो नहीं आती, और वो तो शुरू से ही ऐसा है कि उनकी ऑफिशियल वीडियो में नहीं देखने को मिलती। सो आगे बढ़ता है, वो थोड़ा बजट का ही पंगा पड़ता है, यू नो डैट। बोलेंगे टाइम लेके बनती चीज, मैं हूं ब्लेस्ड आई एम नंबर 1 इंडिपेंडेंट आई रन दिस शिट, भारी डीसी मेरी खुली मेरी तीसरी आंख, कौन दिया साथ कौन नहीं है साथ सब याद, मालिक का दिया हुआ है सब कुछ मेरे यार, मालिक वाला पड़ता जैसे तड़ी पार, इतना सबसे ऊंचा तो फिर जिंदगी में ढील दे, ऑफर सारे मुझे अभी नो फिगर डील्स के, नो फिगर डील्स के, मैं खुद से बोलवा था मेरे फैंस से, बीटीएस ऐड कर रहे हैं ना म्यूजिक में, वो काफी सही लग रहा है, बेचारे आगे वो फक क्या है बोले मेरे बारे, मैं खुद से बोलवा था मेरे फैंस से फक ये, और रास्ता वो हिट जो ते खुद से बेचारे, when I say fuck y'all say anyway fuck and fuck anyway fuck anyway, अबे मुझसे क्या ही नफरत करोगे बे, I'm blessed, God is great, peace out. Peace out भाई, peace out। और अब बात करते हैं, अपना तो रिएक्शन हो गया और आपने देख ही लिया होगा मेरा रिएक्शन, अब बात करते हैं रिव्यू की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, जब ये टाइटल एम एम वन टाइन अपने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया था, यानी पोस्टर हम कह सकते हैं फक एम वे, तो उससे मेरे को लगा था भाई ये ट्रैक हार्डकोर होने वाला, और फिर से हमें सबलिमिनल से काफी शॉट देखने को मिल सकते हैं कृष्णा के ऊपर और कलमकार अवतार अंकित खन्ना जो भी है उनके ऊपर, क्योंकि टाइटल ही इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी सिर्फ इस गाने की टाइटल ने, फक एम वे। और तुम्हें पता फक एम वे की क्या कॉन्ट्रोवर्सी रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये जो ट्रैक है वो एकदम ही अलग चला गया, क्योंकि 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 मेरे को शॉर्ट्स लग रहा था और हार्ड को लग रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये गाना एकदम सॉफ्ट लोफाई टाइप निकल गया, लोफाई ट्रैक, और एक भी हमें शॉर्ट्स और सबलिमिनल्स देखने को नहीं मिला। ये बेसिकली ट्रैक है अपने हेटर्स के ऊपर, जैसे कि एमवी इस गाने की कोरस लाइन में बोल रहे हैं कि अपने फैन से बुलवाते फक एमवी और उससे हेटर्स खुश होते हैं, ये बेचारे और हेटर्स को बेचारे बोला गया। तो भाई ये ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि इसमें एक भी शॉर्ट्स और सबलिमिनल्स नहीं, तो और गाना जो लोफाई जोन, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे को एमए बनता है हार्ड को नहीं पसंद, मेरे को ज़्यादातर उनका लोफाई जोन पसंद है, अभी भी कह रहा हूँ, पहले वीडियोस में बोला और आगे भी यही कहता हुआ आगे का भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्या पता चीज़ें पसंद होता है, मतलब हार्डकोर ही पसंद, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि हार्डकोर बुरा है, लेकिन मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें मेरे को एम बनता है लोफाई जोन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सबका अपना है। तो भाई ये गाना का रिएक्शन हो गया और रिव्यू भी दे चुके हमने, तुम बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये आज की चौथी वीडियो है मेरी भाई, मैं वीडियो बना बना के लिटरली थक गया हूँ, चैनल की रीच की ऐसी तैसी हो गई, व्यूज़ किसी वीडियो पर नहीं आ रहे, क्योंकि एक के बाद एक अपलोड कर रहा, तो तुम्हें पता है यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता, बट रिएक्शन देना भी ज़रूरी है, जो मतलब जिनको चाहिए रिएक्शन उन तक तो पहुंच ही जाता है, लाइक 100 व्यूज़ आए, 500 व्यूज़ आ जाए, जितने भी आए। तो भाई ये आज की चौथी वीडियो है और ये रात के 12 बजे ट्रैक आता, तो मैं 12 बजे भी बनाता और 1:30 बजे 2 बजे भी अपलोड करता, जैसे कि हमने डिस्ट्रैक्ट के टाइम पे किया था, बट कोई नहीं, सही है, जल्दी आ गया, अब अपन भी फ्री हो गए, तो वीडियो डालते हैं, बाकी वीडियो को करते टर्न ऑफ। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।